अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक हमारा बड़ा ही मज़े का टॉपिक है, फिगरेटिव लैंग्वेज। अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आपने फिगरेटिव लैंग्वेज का टर्म ज़रूर सुना होगा। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है, इसका पर्पस क्या है और इसको कौन कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस में क्लासिफाई किया गया है, ये सब डिस्कस करेंगे हम अपनी आज की वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल लर्न वर्चुअली को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी न्यू आने वाली अपडेट्स मिलती रहें। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि पोइट यूज़ करता है इनडायरेक्टली कुछ कहने के लिए। एक दफ़ा फिर रिपीट कर दूँ, फिगरेटिव लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कि पोइट यूज़ करता है इनडायरेक्टली कुछ भी कहने के लिए। मतलब कि पोइट वो वर्ड्स यूज़ नहीं करता जो कि उसको डायरेक्टली यूज़ करने चाहिए अपने सेंस को कन्वे करने के लिए, वो इनडायरेक्ट वर्ड्स यूज़ करता है अपने सेंस को कन्वे करने के लिए। मतलब कि पोइट कुछ और कहना चाहता है जो उसने लिखा हुआ होता है, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये ऐसे कलर्स हैं जो कि पोइट अपनी राइटिंग पे अप्लाई करता है। अगर आप अपनी डेली रूटीन में देखें तो आप कलर्स यूज़ करते हैं चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए या फिर उन चीज़ों को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि कलर्स के थ्रू हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से हाईलाइट कर सकते हैं और फिर उसको सेपरेट कर सकते हैं। इसी तरह से राइटर फिगरेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है अपनी राइटिंग में कलर्स ऐड करने के लिए। सिंपली अगर हम उर्दू में कहें तो मिर्च मसाला ऐड करने के लिए। फिगरेटिव लैंग्वेज को समझने के लिए इमेजिनेशंस की ज़रूरत होती है ताकि हम ऑथर के परसेप्शन को समझ सकें। ऑथर के रियल पॉइंट ऑफ व्यू को समझने के लिए हमें उस राइटिंग की डेप्थ में जाने की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि राइटर डायरेक्टली जो भी वो कहना चाहता है वो वहाँ पे राइट डाउन नहीं करेगा, जिसकी वजह से हमें खुद ये इमेजिन करना पड़ता है कि राइटर यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है, मतलब कि राइटर यहाँ पर कौन सा सेंस कन्वे करना चाह रहा है, ये हमें खुद इमेजिन करना पड़ता है। उसके अलावा ये हमारे सेंसेस को हाईलाइट करता है, मतलब कि ये हमें जो राइटर कहना चाहता है उसको बेहतर तरीके से हाईलाइट करता है कि राइटर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कौन सा सेंस कन्वे करना चाह रहा है, मतलब कि ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको मेंशन करता है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ये किसी चीज़ को अल्यूड करते हैं, मतलब कि किसी चीज़ का रेफरेंस है। रेफरेंस किस तरह से? क्योंकि जो भी इसमें राइटर कहना चाहता है वो डायरेक्टली तो नहीं कहता, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो राइटर डायरेक्टली कहना चाहता है ये उसका रेफरेंस होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज क्या होती है? फिगरेटिव लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि राइटर यूज़ करता है अपने सेंस को ज़्यादा क्लेरिफाई करने के लिए। उसमें जो राइटर है वो अपने डायरेक्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करता बल्कि इनडायरेक्ट वर्ड्स के थ्रू वो सेंसेस कन्वे करता है। अब हम आ जाते हैं फिगरेटिव लैंग्वेज की क्लासिफिकेशन में। फिगरेटिव लैंग्वेज को 5 लिटरेरी डिवाइसेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, मेटाफर, सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, हाइपरबोल, सिंबोलिसिज्म। इस पे मैंने अलग अलग वीडियो बनाई है, अगर आप इसको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। यहाँ हम जस्ट इसका इंट्रो डिस्कस करते हैं। मेटाफर क्या होता है? मेटाफर होता है जब हम दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ मर्ज कर दें, क्वाइट डिफरेंट दो चीज़ों को एक दूसरे के साथ मर्ज करें। फॉर सपोज दैट, जिस तरह से मेरी बेटी चाँद है, अब चाँद और बेटी दो अलग चीज़ें हैं, हमने इसको एक दूसरे की चाँद की प्रॉपर्टीज़ के बेस पे जो डॉटर वर्ड को कंपेयर किया मून के साथ, तो ये हुआ हमारे पास मेटाफर। सिमिली क्या होती है? जिसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करें लाइक के वर्ड से, जिस तरह से हम ब्रेविटी को शो करें लॉयन के साथ, मेरा बेटा शेर है, तो हमने अब उसकी
प्रॉपर्टीज़ के साथ कंपेयर किया और लाइन की ब्रेविटी के साथ सन को कंपेयर किया, ये होगी हमारे पास सिमिली। पर्सोनिफिकेशन एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स सौंप देते हैं, मतलब कि हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं नॉन लिविंग थिंग्स पे ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके अलावा हाइपरबोल, हाइपरबोल के वर्ड से ही जो है वो हमें शो हो रहा है कि ये एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें हम कुछ ज़्यादा ही जो है वो कह देते हैं सिंपल, कि हम अपनी जिस तरह से हम अपनी डेली रूटीन में कहते हैं कि बहुत लंबी लंबी छोड़ते हैं, तो उस लिटरेरी डिवाइस को हम हाइपरबोल कहते हैं। जिस तरह से अगर हम कहें अपनी फ्रेंड को देखकर कि मैं तुमसे सदियों से नहीं मिला, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हें सदियों से नहीं मिला। अब आपको पता है कि आजकल की दुनिया में जो है वो सदियों तक उम्र तो किसी की जाएगी नहीं, तो ये एक जो है वो लिटरेरी डिवाइस है, उसको हम हाइपरबोल कहते हैं। उसके अलावा सिंबालिज्म, सिंबालिज्म क्या होता है, जिसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर करें उसके फिज़िकल अपीयरेंस की बेस पे। जिस तरह से हम ये कहें कि उसका फेस बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल है, ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास सिंबालिज्म। अब हम आ जाते हैं पर्पज़ पे, फिगरेटिव लैंग्वेज का क्या पर्पज़ होता है। फिगरेटिव लैंग्वेज का पर्पज़ होता है कि राइटर इनडायरेक्टली वो बातें कन्वे कर सके जो कि वो डायरेक्टली ज़्यादा मेंशन करके नहीं कर सकता, या फिर हम ये कह लें कि इसका जो पर्पज़ है वो ये होता है कि ये रीडर की अटेंशन को गेन करती है, मतलब एक इंटरेस्ट क्रिएट करती है, हमारी राइटिंग को ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है, ज़्यादा हाईलाइट करती है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाती है। आई होप आपको आज की ये वीडियो समझ में आ गई होगी, लेकिन अगर फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।